कैमरा अगर मेरी तरफ है ना तो कैमरे पर झूठ नहीं बोला जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं पूरा बुद्धिस्ट नहीं हुआ हूँ क्योंकि झूठ बोल लेता हूँ, मजबूरी है। हाँ तो मैं लेकिन कैमरा ऑन रखता हूँ ताकि आप लिहाज करें। कुछ लोग कैमरे पर ही झूठ बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप सब लोगों ने नौकरी पाई है, आपको पता होना चाहिए इस देश का सवर्ण समाज पता है सिर्फ दो तरह से एक साथ बंधा हुआ है। एक आरक्षण विरोध पर वो एकजुट है और दूसरा एक पार्टी को वोट देने के लिए एकजुट है। और उनकी भी कोई एकजुटता नहीं है जैसे हमारी एकजुटता नहीं है। उनकी एकजुटता कहाँ है जहाँ रोजी रोटी का मसला है आरक्षण? उनकी एकजुटता कहाँ है जहाँ सत्ता पर कब्जा करना है? क्या उनके बीच बेटी रोटी का संबंध है क्या? हैं, एक दूसरे के से प्रतिद्वंदिता नहीं है क्या? तो हमारे दिमाग में डाला जाता है कि OBC खराब है, मुसलमान वाला मामला लगभग अब ठीक हो गया है, दंगा में जो हमारे बच्चों का इस्तेमाल होता था वो ठीक हो गया, अब हमारे लोग लड़ने जा नहीं रहे, इसलिए इनको विदेशी पाकिस्तान के विदेश पहले भारत वाले मुसलमान से काम चल रहा था, आजकल दंगा बंद हो गया। बिहार में लालू यादव को जेल में डाल दिए, 10,000 तलवार बांटे, कोई नहीं गया मारने, कहा कि नहीं यार नहीं जाऊँगा लड़ने, तुम हम लोग को वोट ले लेते हो फिर मारते हो हमी को। तो पिछले 4 साल में बहुत सुधार हुआ है लेकिन अभी भी ज़रूरत है। तो अभी देश वाले मुसलमान से काम नहीं चल रहा है तो विदेश वाले मुसलमान को बुलाया जा रहा है, उधर वाले मामले को फंसाया जाए एक बार। तो उनकी पूरी एकजुटता जो है वो आरक्षण के खिलाफ है और दूसरी सत्ता पर कब्जा करने की। तो हमें लगता है इस दो पर हम लोग को भी सहमत होना चाहिए। आरक्षण भी SC ST OBC को है तो हम लोग सहमत हो सकते हैं, होना भी चाहिए। तो चलिए इस नाते से, तो इसलिए मैं बहुत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ कि तुम SC हो ST हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है जिसको मैं मानना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की धरती पे हूँ तो शिवाजी महाराज का बड़ा कायल हूँ, संभाजी महाराज का बड़ा कायल हूँ, और कभी कभी ताज्जुब होता है कि कैसे इस देश में कहानी फैलाई कि उनको किसने मारा, जबकि भीमा कोरेगांव आप सब जानते हैं, संभाजी महाराज की पूरी कहानी समझा। और यकीन मानिए मैं कभी स्कूल कॉलेज ज़्यादा गया नहीं, अगर जाता सरकारी नौकरी में कैसे हमें डरपोक बना दिया जा रहा है वो भी मैं समझ रहा हूँ। उनका आर्मी प्रमुख जो है वो भी बाद में नेता बन जाता है और मंत्री बन जाता है। हमारे लोगों को आप तय मानिएगा, जो सेकेंड क्लास की नौकरियां हैं, थर्ड क्लास की नौकरियां हैं, सोचिए कितना घृणित समाज है ये। सफाई कर्मचारी की नौकरी जो सबसे नीचे दर्जे की नौकरी थी जिसमें 30,000-35,000 रुपये मिलते थे, चूँकि वाल्मीकि समाज को उसको जोड़ दिया गया, उनके बच्चे पढ़ लिख के कलेक्टर और प्रोफेसर बनने लगे थे चूँकि 30,000 रुपये आ रहा था, सबसे पहले किस नौकरी को प्राइवेटाइज किया? सफाई कर्मचारियों की नौकरी। क्यों? वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कल कलेक्टर बने। उसके बाद सेकेंड क्लास थर्ड क्लास की नौकरियों को प्राइवेटाइज किया गया है। वो नहीं चाहता है कि आप तमाम लोग जो दो कमरे के घर में मुंबई में जीवन काट रहे हैं, आपके आँख सपना देखे कि मेरा बेटा कल जज बने, पत्रकार बने, बैरिस्टर बने, बिजनेसमैन बने। आजकल पता है एक वो दौर भी गया जब बाप का बिजनेस बेटा, दादा का बिजनेस पोता बहलाता था, अब तो टेक्नोक्रेट का जमाना है। जुकरबर्ग उसका कोई बाप था क्या बिजनेसमैन? हैं, नहीं था ना। ये उबर, ओला, ये जितने टेक्नोलॉजी है, हमारे बच्चे अगर IIT IIM में हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी से मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं, कुछ लोग बने भी हैं। तो ये जानबूझकर जब तक बाप दादा का बिजनेस था तो बिजनेस नहीं करने दिया। बच्चे जब पढ़ रहे, हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू किए पिछले 20-25 साल से, तो सरकारी स्कूल की हालत किसी से छिपी ही नहीं है। तो हमारे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू किए तो सरकारी स्कूल की हालत खराब है। अब सोचिए कि हालत ये हो गई है कि अगर हम शुरुआत में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बाद वाला जो बढ़िया वाला पढ़ाई है IIT IIM लॉ मैनेजमेंट, उसमें जाने लायक हमारे बच्चे नहीं रहेंगे। और शुरुआत वाला पढ़ाई अगर हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं तब जाके वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ये पूरी देखिए कैसे लड़ाई चेंज कर दिया है। मतलब हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो बाद में सरकारी कॉलेज में नहीं पहुंच पाएंगे। जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं बाद में वो सरकारी कॉलेज IIT IIM का मजा ले रहे हैं, JNU का मजा ले रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मजा ले रहे हैं। तो आप तय मानिए इस देश में कभी भगवान की लड़ाई नहीं रही है, सब संसाधन के, कभी उनके भगवान की वजह से संसाधन पर कब्जा किया, कभी उन्होंने धर्मशास्त्र की वजह से संसाधन पर कब्जा किया, कहते थे समुंदर लांगना पाप है, सबसे पहले विदेश चले गए जहाज पकड़ के। अब वो कह रहे हैं, अब पता है आप लोगों को जातिवाद अब नहीं है इस देश में,
मेरे पिताजी मजदूर हैं, किसी की औकात नहीं है कि उनको जाति के नाम से कहे, वो खींच के चार थप्पड़ मारेंगे। गांव में जातिवाद खत्म हो गया भाई साहब, आप लोग तय मान लीजिए, अब जातिवाद जो है ना वो शहर में शिफ्ट हो गया है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, वो नौकरियों में शिफ्ट हो गया है, वो मीडिया में, यूनिवर्सिटी में, कैंपसेस में आपके बच्चे का नंबर काटा जाता है इसके इंटरव्यू में, आपके बच्चे का नंबर काटा जा रहा है जेएनयू के इंट्रेंस में, आपके बच्चे का नंबर काटा जा रहा है 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, आपके लोग प्रोफेसर ही नहीं बन पाएंगे। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये जानबूझ के किया गया था क्योंकि हमारी भागीदारी बढ़ रही थी। ये रेलवे बेच देंगे, हमें नौकरी कौन देगा? आप रिज्यूमे भेज के देखिए, ये जाति जो हमारे साथ लगा हुआ है ना, इससे वो पहचान। तो ये पूरा का पूरा जो है इन्होंने खेल बदल दिया, और इसको समझिए उससे भी ज़्यादा गंभीर खेल हुआ है ओबीसी के साथ। ये पता है ये लोग क्या कर रहा है क्रीमिलियर के नाम पर? कहता है कि जिस घोड़े के मुंह में दांत है उसको चना मत खिलाओ, मतलब जो जो आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा उसको क्रीमिलियर करके बाहर कर दो। कह रहा है तुम्हारा दूसरे भाई को नहीं मिला, मतलब जो स्कूल ही नहीं गया उसको आरक्षण दे रहा है, मतलब जो घोड़ा चना खा सकता है उसको चना मत दो, जिसको दांत है उसको चना दो। इनकी साजिश समझिए, और ये सारी साजिश मैं इसलिए समझ पाता हूँ, मैं स्कूल कॉलेज जाता नौकरी करता तो मैं कह रहा हूँ बीवी बच्चा पालने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो आप लोग उठा रहे हैं। मैं नहीं गया स्कूल कॉलेज, मैं सीधे पत्रकारिता में आया, मैंने 15 साल टेलीविजन चैनलों में नौकरी की, तमाम लोगों से मिला, उनका खेल समझा, मुझे लगा कि नहीं अब हमें समाज के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी बुरी चीज़ है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग किसी वजह से मेहनत से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आए हैं, अपने बच्चों को उस लायक बनाइए, और उसको अम्बेडकरी आंदोलन, फूले का आंदोलन, पेरियार का आंदोलन 1 घंटा समझाइए। सोचिए नन एक मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, 10 10 लड़का लाइए और एक दलित, 8 दलित, 1 मुसलमान और 1 सवर्ण, उस सवर्ण को कहिए कि आरक्षण के खिलाफ बोलो और वो 5वां पास हो, धज्जी उड़ा देगा आरक्षण का, मेरिट खराब होता है, ये है वो है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे देगा, संविधान को गाली दे देगा, सब कुछ बोल देगा वो, चूँकि 8 दलित खड़ा है वहाँ, 1 मुसलमान भी है। अब मुसलमान को कहिए, वो कहेगा यार मुझे कुछ नहीं बोलना है यार, पता नहीं ये 8 दलित कब हिंदू हो जाए और मुझे मारने लगे। अब वो 8 दलित को बोलिए, वो कहेगा कि ठीक है आरक्षण अच्छी चीज़ है, हमको करना चाहिए, क्योंकि उसकी संख्या उस समय 8 है। अब मैथमेटिक्स चेंज कर दीजिए, 8 सवर्ण, 1 दलित, 1 मुसलमान। पहले कहिए 8 सवर्णों को कि गाली दो आरक्षण को, आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या बोलेगा। अब एक जो दलित है वो भी कहेगा, जैसे हमारे दलित आजकल टीवी पर बैठ के बोल देते हैं, ठीक है यार आरक्षण से सही में मेरिट का कत्ल होता है। वो मुसलमान फिर कहेगा पता नहीं तुम लोग कब हिंदू बन जाओ, वो नहीं बोलेगा। तो ये पूरी लड़ाई मानसिक है, आप मेंटली कितना प्रिपेयर हैं उससे है, और मेहनत तो हमारे खून में है भाई, धू हम उठाते हैं, फसल हम काटते हैं, पत्थर हम धोते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, हमें मेहनत सिखाओगे, हमें मौका मिलेगा तो हम जहाज भी बनाते हैं, इन लोगों ने सुई नहीं बनाया आज तक। पिछले अशोक के बाद इस देश में 2000 साल से देखिए, अशोक के समय सोना पिघलाने की विधि थी, अशोक के सारे स्तंभ अशोक के समय के लोहे पर, इसका मतलब लोहा बनाने की हमें ज्ञान था। लेकिन हमने क्या देखा, जहाँ से आए हैं लंदन रहते हैं साहब, औद्योगिक क्रांति का क्रेडिट किसको जाता है? इंग्लैंड को। इसका मतलब हमारा दौर अच्छा भी था, 17 यूनिवर्सिटी थी जब तक्षशिला नालंदा था, इसका मतलब 2000 साल में जब इन लोगों के पास गया तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पेट निकाला, भिकमंगई की, और एक कुकर नहीं बनाया भाई, एक सुई नहीं डेवलप किया, एक मोबाइल नहीं बना पाया, आज तक एक इंडियन कंपनी है मोबाइल का। वजह क्या है कि जिनके हमारे घर में हमारी माँ बहन खाना बनाती है उसको तकलीफ होगी तब ना वो दिमाग लगाएगी, अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो सोचेगी कि यार दिन भर खाना बनाने में जा रहा है कुकर बना ले। तो जो मेहनत कश लोग होता है उसको जब पढ़ने लिखने दीजिएगा तो वो कोई इनोवेटिव आइडिया करेगा। पढ़ने लिखने का भी अधिकार उसी को था जिसका पेट चल रहा है बैठे बैठे। ऐसा ऐसा कहानी गढ़ा, सारे परसेप्शन जो अखबार टीवी देखते उसको लोग क्या कहता है, हम लोग भी कहते हैं माँ के हाथ में स्वाद है। किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबा में, 5 स्टार में देखे महिला को खाना बनाते हुए, स्वाद मसाले में होता है, बनाने की प्रक्रिया में होती है। उन्होंने महिलाओं को सबसे ज़्यादा दलित बनाया, ऐसे ऐसे उसको काम पकड़ा दिए जिसमें पैसा का आमदनी न होता कि उसके नीचे रहे। ये सब साजिश है इन लोगों की, पहले महिलाओं का शोषण किया, फिर हम लोग में जातियाँ बनाई और उसके आधार पर करा। और ये तय मान लीजिए आज की डेट में जातिवाद बिल्कुल खत्म है, सब
सारे सवर्ण एक ही बात कहेंगे आपको, अब कहाँ जातिवाद है, साथ खा रहे हैं। अरे भाई तू अपने घर में खा, हम अपने घर में खाएंगे, हमें ना जरूरत है तुम्हारे साथ खाने की। अब जातिवाद शहर में आ गया है, नौकरी में आपके नौकरियाँ छीनी जा रही है, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपके बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा है। और ये लड़ाई अब तय मानिए, ये हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई, इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, आप यकीन मानिए, और ये आप लोग की नैतिक जिम्मेवारी है। क्योंकि मेरा बाप जो थोड़ाई मंगरू है गांव में, उसको नहीं पता है आरक्षण, वो नहीं गया स्कूल। भाई आप लोग शहर में रह रहे हैं, आपको लड़ना पड़े, आपको लड़नी पड़ेगी लड़ाई। आपको अपने घर में बच्चों को पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, जज बनाना पड़ेगा। बताइए, दुनिया में कहीं नहीं है कि जज जज को बनाता है। भाई बिना परीक्षा दिए जज हो जा रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये देश पूरी तरह से, उन लोगों को कहिए, उनसे डरिए मत, उनको काउंटर कीजिए, उनको लॉजिक कीजिए। और जो कम्युनिकेशन पर उनका कब्जा है ना, टीवी अखबार पर, वही हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे लोगों को क्या कहता है, मायावती चोर है, मुलायम चोर है, लालू प्रसाद यादव चोर है। उसका मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का है, उसकी कितनी औकात है। एक बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करता था, 5 लाख रुपए घूस लेते पकड़ेगा, उसको खत्म कर दिया पार्टी से। तो समझिए कि किस तरह की विडंबना है। 17 आदमी अरबों खरबों लेके भाग गया, उसको नहीं कोई चोर कह रहा है। माल्या के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है क्या? मैं तय कह रहा हूं आप लोगों को कि आपका जो संसद बन के जाता है, वो भी रिजर्व सीट से, उसको सोशल जस्टिस मंत्रालय से आगे मंत्रालय नहीं देता है भाई। उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारे टिकट से बना है। और जो हमारा वाला, उसको ये पता है, अब तक दिमाग में मीडिया ने भर रखा है, हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी जगा हुआ नहीं है, सोया हुआ है, आपस में फूट है। ये सब कहानी टीवी अखबार ने आपको दिमाग में गलत भरा है। एक बात बताइए, सवर्णों की कितनी पार्टियां हैं? ममता बनर्जी सवर्ण, नवीन पटनायक सवर्ण, कांग्रेस सवर्ण, लेफ्ट सवर्ण, बीजेपी सवर्ण, और सब सत्ता में है। ये सब मुख्यमंत्री हैं, लालू, मायावती, मुलायम, ये सब खेल से बाहर हैं। आपको पता है क्यों? नेता कभी एकजुट नहीं होता है। जब उनका 15% वालों की एक दर्जन पार्टी सत्ता में है, हम 85% वालों की एक पार्टी सत्ता में नहीं, क्योंकि हमारे, हम लोग क्या कहते हैं, वो टीवी वाला सिखाता है, इनका नेता में फूट है। भाई जनता को एक होना होता है, वो कितनी होशियारी से सारे सवर्ण पार्टियों को छोड़ के आज एक पार्टी को वोट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है, वो पार्टी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। तो जनता उसका एकजुट है, और सिर्फ किसको वोट दे रहा है, एक पार्टी को वोट कर रहा है। और हमारे लोग, कांग्रेस भी हम ही ढो रहे हैं, ममता बनर्जी भी हम ही ढो रहे हैं, नवीन पटनायक भी हम ही ढो रहे हैं। हमको पॉलिटिकली फैसला लेना पड़ेगा। और शुक्र मानिए कि हमारे माँ बाप बुर्बक थे, इसलिए हमें ज़्यादा संख्या में बच्चा पैदा किया। हमारी दादी कहती थी जन न तथन, अगर हमारी संख्या ज़्यादा नहीं होती और बाबा साहब ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता, तो आपके बांध के ही समंदर में फेंकवा देता। ये तो हमारी संख्या है, संविधान है और वोट है, इसलिए लिहाज कर रहा है, पैर धो रहा है आपका। नहीं तो मन में नफरत, इस देश में पता है नफरत कैसा है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में फूड हैबिट है गाय, बीफ खाता है लोग, पूरा दलित समाज मरी हुई गाय का मांस खा के जीता था। आप लोग पढ़ लीजिएगा 2 किताब, मणिकर्णिका और मुर्दैया, प्रोफेसर तुलसीराम ने लिखा है, जी उनके प्रोफेसर है। ये क्या कह रहा है, हम सब सेखी से बोलते हैं नहीं मैं बीफ नहीं खाता हूँ। हमारे घर में ही सिखाया गया बीफ नहीं खाना है। जब हम पहली बार बीफ खाने गए तो मेरा मन भी उबकाई हुआ। क्यों? क्योंकि ये माइंड सेट है, हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि बकरा का मांस अच्छा है, गाय का मांस खराब है। अरे खराब तो हम प्रोटीन से तौलेंगे ना, कि किसमें कितना प्रोटीन है। तो ये जो दिमाग में, हमारे दिमाग में बैठा हुआ ना हिंदुआइजेशन। एक और बात, छोटी सी बात बता रहा हूँ, सोचिए, बाप बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, हम सब करते हैं ना। एक सवर्ण समाज अपनी बेटी की हत्या कब करता है? डिस्को जाएगी, नहीं करता है। पब जाएगी, नहीं करता है। मंदिर न जाए तो भी नहीं करता है। बॉयफ्रेंड बनाए तो भी नहीं करता है। नौकरी चाकरी कुछ भी करे, वो उसकी हत्या तब करता है जब वो जाति से अलग जाके शादी कर लेती है। इसका मतलब उसके लिए अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यारा उसकी जाति है, और उसकी जाति इसलिए उसको प्यारी है क्योंकि जाति का सीधा सीधा संबंध पैसा से है। आपको पता है, आप लोग नौकरी कर रहे हैं, आप लोग, हमको 1000 कॉल आता है रोज, शंभु जी आपको डर नहीं लगता मार देगा? हम बोले काहे डर लगेगा बे, हम कोई अंबानी अडानी है? राहुल गांधी वाला संपत्ति है क्या कि हम मर जाएंगे तो हम भोग नहीं पाएंगे?
यार नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? भीमा कोरेगांव में जो लोग लड़ रहे थे उनके पास कुछ था क्या? वो सम्मान की लड़ाई थी, उनके पास मामला था कि अगर आज हम हार गए तो मटकी झाड़ू लटका रहेगा, अगर जीत गए पेशवाओं को हरा दिए तो हमारी आज़ादी है। हम सब लोग जो लड़ रहे हैं लड़ाई, ये अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं भाई साहब, वो हमको मारना नहीं चाहते हैं, आप लोग तय कर लीजिए, उनको हमको मारने में इंटरेस्ट नहीं है। बहल साहब सामने है लंदन अमेरिका जो यहाँ का रहता है सब, और पता वहाँ क्या कहता है, यार कुछ भी हो मज़ा भारत में है। तो क्यों भैया, वहाँ के लोगों को आप बिना पैसा दिए हुए नौ पानी नहीं ढुलवा सकते हैं, बर्तन साफ नहीं करवा सकते हैं, खाना नहीं बनवा सकते हैं, यहाँ करते हैं। वो चाहते हैं हम जिंदा भी रहें, दब के रहें ताकि उनको मुफ्त का मजदूर मिले। वो चाहते हैं हम उनके पैर दबाएं, वो चाहते हैं हमारी बहन बेटियों का हाथ पकड़ के जब मनो तब पटक दें। वो हमें सिर्फ बराबर खड़ा होता नहीं देखना चाहते हैं। हमारे बाप से उनको कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बाप मजदूर है, गांव में उनके खेतों में काम करता है, उनको प्रॉब्लम है आप लोगों से, कल उनको प्रॉब्लम होगी आपके बच्चों से। जब आपका बच्चा बढ़िया कपड़ा पहन के जूता पहन के उनके बच्चों से फाइट करेगा यूनिवर्सिटीज में कैंपसेस में, आपको लगेगा जाति खत्म हो गई। जब वो जात, पता है आपको IAS के एग्जाम में 198 नंबर से ज़्यादा टीना डाली को नहीं आया, जबकि 300 नंबर का इंटरव्यू है। JNU में 70 नंबर का रिटेन होता है और 30 नंबर का वाइवा होता है। जो दलित ST OBC मुसलमान 64 नंबर ले आता है रिटेन लिख के, उसको पता है कितना नंबर देता है? जो अपने को सो कॉल लेफ्टिस्ट कहता है, जो कहता है हम जाति नहीं मानते, वो सवर्ण, वो क्या कहता है वहाँ 4 नंबर देता है। 64 कितना हुआ, कितना हुआ? 68 हुआ ना। उनका जो 60 नंबर लाता है रिटेन में, 50 नंबर लाता है, उसको 28 नंबर देता है। 50-28 जोड़िए कितना हुआ, उसका टॉप कर जाता है यार। जो लिखेगा अच्छा बोलेगा नहीं, बेवकूफ समझते हो हमें। ये पूरी लड़ाई संसाधन की, और बाबा साहब का शुक्रिया मैं इसलिए हूँ, जिस दिन भाई साहब ये संविधान चला गया ना, आप समझिए कि हम लोग तिनका के सहारे समंदर पार कर रहे हैं। कुछ नहीं हम लोग के पास, न जमीन है, न व्यापार है, न बाप का कैपिटल है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, और बची खुची सरकारी नौकरी थी उसका भी खेल खत्म हो गया है। क्या करेगा आपका बच्चा? और उसके बाद TV अखबार के जरिए उसके नसों में जहर भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग की ये सामाजिक जिम्मेदारी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी के लिए नहीं लड़ रहा हूं, फूले किसी के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमें लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे तो हो सकता है समाज का कुछ भला हो जाए। और हम सब लोग इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, एक बेहतर देश चाहते हैं। पूरी दुनिया में गैर बराबरी थी भाई, लोगों ने ख़त्म किया है, इनका पता नहीं क्या दिमाग है। यहाँ जो जितना ज़्यादा अपर कास्ट पढ़ा लिखा है वो उतना महीन जातिवाद करता है, वो उतना महीन तरीके से शोषण करता है। और अब शहरों में जातिवाद है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में, आपकी नौकरियों में है। और चूंकि आप लोग नौकरी पेशा लोग हैं, आप लोग से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह से बताइए, उन्हें समझाइए। और सबसे बड़ा जो खेल है ना भैया, ऐसा नहीं होगा कि दुश्मन को पैसा भी दीजिए मंदिर में जाके और कहे कि हमको मारोगे मत। तो जो उनका आय का जो इनकम का सोर्स है ना, वो काटना पड़ेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अपने समाज का दुकान पहचानिए, ढाबा पहचानिए। ये कहाँ से हिम्मत आती है वैष्णव ढाबा करके हम खाना खाने जाते हैं, चमार ढाबा हम नहीं लिख सकते हैं वे? इसका मतलब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डाला हुआ है। अपने समाज का दुकान, अपने समाज का घर, अपने समाज का समझिए। और इनको यही जवाब है, जिस दिन इतनी अलर्टनेस नहीं आएगी उस दिन, वो वैष्णव ढाबा लिखने का मतलब है कि उसको लगता है कि हमारा दुकान चलेगा। हमें चमार ढाबा, बाबा साहब के फोटो, रविदास हॉस्पिटल करके चला के दिखाना पड़ेगा। और जिस दिन हमारे लोग सामाजिक रूप से जागरूक हो गए, हम अपने लोग को पहचान लिए, हम ही सबसे ज़्यादा मरीज हैं, हम ही सबसे ज़्यादा स्कूल जाते हैं, हमें खड़ा करना पड़ेगा। और हंसने की चीज़ नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो तय मानिए आने वाले समय में आपके बच्चे की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियाँ ख़त्म हो रही है, कंपटीशन बहुत है, और उस हिसाब से आपकी अभी सैलरी आपको रिड्यूस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का कुर्सी कर दो प्राइवेटाइज। और लास्ट बात, ये पूरी लड़ाई सत्ता की है। बाबा साहब ने अगर सत्ता को करीब से नहीं देखा होता तो वो नहीं कर पाते। आप लोग को तय करना पड़ेगा कि हम सत्ता में कैसे जाएं, क्योंकि उनकी पूरी यूनिटी सत्ता को लेकर है। आपको अपनी पूरी यूनिटी सत्ता को लेकर बनानी पड़ेगी। और यकीन मानिए, हमारा जो भी भला हुआ है,
हमें ये भी कहा जाता है हमारा नेता चोर है, बेईमान है, यकीन मानिए हम लोग के आज तक बताइए, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो वैदिक काल तो कोई था ही नहीं, चाहे 2000 साल में एक भी सवर्ण है जिसने इंसानियत के लिए काम किया हो। एक राजा राम मोहन राय वो भी तब बोले जब उनकी भौजाई को सती प्रथा के तहत जलाना था। तो हम लोग की बहुत संसाधन विहीन समाज है, हमें लड़ना है। और मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, उनके टीवी अखबार के चपेट में मत आइए, मैं उधर रह के आऊँ 12 साल। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल एथिक्स वाले लोग नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये, बिल्कुल उनको देश उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं। सारे उनके राष्ट्रवादी निकल लिए हैं लंदन जापान, ये सिद्धि विनायक में जाके पूजा करता था ना माल्या, भगवान का नहीं पकड़ के लिया। ये आसाराम टाइप के लोग हैं जो भगवान को भी नहीं बचने वाले हैं। ये भगवान के नाम पर वहाँ रेप करता था, ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आपका वोट ठगता है, रेपिस्ट है ये लोग, राष्ट्रद्रोही है ये लोग। आप सोचिए, इसका क्रिकेटर हो, इसका फिल्म एक्टर हो, सब उसकी पार्टी के लिए बैटिंग करता है। ये इसी मुंबई का एक आदमी रोज सिद्धि विनायक जाता है और हम लोग क्या क्या नहीं कहते हैं उसको। इसी मुंबई में एक ओवरब्रिज बनना था एक, जिसको हम लोग, मैं तो उनको बेबी वॉयस कहता हूँ, लता मंगेशकर ने अपना इतना उसने बनने नहीं दिया। अमिताभ बच्चन रोज सिद्धि विनायक जाता है, सबसे करप्ट आदमी है। आपको अपनी फिल्में देखनी पड़ेंगी, आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करता है। वो रविंद्र जडेजा हम जो क्रिकेट देखते थे, उसकी पत्नी बीजेपी में शामिल हो जा रही है, बसपा में शामिल हो जाएगी क्या? तो आपसे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से ये नफरत करते हैं, इनके दिमाग में है। और हमें संविधान पर भरोसा रखना है, संविधान बचाना है। और अगर आप लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जुट नहीं हुए, उनको काउंटर नहीं किए, डरिए मत। ये पूरा खेल डर का है। आपके दिमाग मुझे रोज 100 फोन आते हैं, सब मुझे अपना ख्याल रखिए, अभी काहे ख्याल रखें? और मैं जानता हूँ सरकारी नौकरी में क्या हालत है, जब हमारे MLA MP की औकात नहीं है कुछ बोलने की, कुछ करने की। क्यों? क्योंकि लीडरशिप हमारे हाथ में नहीं है। जब तक लीडरशिप नहीं होगी, हमें CM PM बनाना पड़ेगा, तभी DMSP की नियुक्ति कर पाएंगे, तभी आपको बोनस मिल पाएगा, तभी आपके बच्चों के लिए रोजगार होगा। आप सब समझदार लोग हैं, मेरी बहुत कम समझ है, मैं देश घूम रहा हूँ, आप ही लोगों से सीखता हूँ, समझता हूँ। और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानवता के साथ हूँ। इस देश में जब तक विक्टिम बहुजन समाज के लोग हैं, इसलिए मैं उसको बहुजन पत्रकारिता कहता हूँ, हमारे लोग भी अन्याय करेंगे तो मैं वहाँ भी खड़ा रहूँगा। तो हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने किसी जाति के लिए काम किया था, इंसानियत के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। सावित्री बाई ने किसी जाति के लिए स्कूल खोला था इसी पुणे में। तो महाराष्ट्र की धरती को मेरी तरफ से अलग से सैल्यूट, क्योंकि अगर महाराष्ट्र बाबा साहब नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते, गटर में गू साफ कर रहे होते। और ये OBC नहीं समझता है, फलाना नहीं समझाता है, हमको दो स्तर पर एकजुटता बनानी पड़ेगी। एक है आरक्षण के पक्ष में और दूसरा है सत्ता के लिए, बाकी हम आपस में करते रहेंगे, देखेंगे। आई होप आप लोग उठ गए होंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि लास्ट लाइन कह रहा हूँ, हमारा बाप धुराई मंगरू जो गांव में बकरी चरा रहा है, वो नहीं लड़ सकता इस लड़ाई को। ये आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी, इसको समझिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। और इस समानता के लिए है, बराबरी के लिए है, सम्मान की ज़िंदगी के जीने के लिए है। और यकीन मानिए, वो हमको मारना नहीं चाहता है, वो मार देगा तो मुफ्त में नौकर कहाँ से मिलेगा, लेबर का। वो डराता है कि तुमको मार देंगे, आँख में आँख डाल के बात कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।